ये ऐसी थी कि जैसे आपने इसको नए सिरे से करना है। सही है, फिर मैं इसका पूरा चेसी फ्रेम नया बनवाया, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, ठीक है। उसमें दो मैंने दरवाजे की जगह जो है ना वो मैंने फिक्स कर दिए। सही है, अब ये मतलब लंबी लिमोजिन हमने सो आपने इसकी लेंथ भी खुद ऐड की, लेंथ ऐड की है ठीक है। इसकी। मजे की बात यह है कि सारी गाड़ियों को छोड़ के ये अगर मैं कभी रोड पर निकाल लूँ तो लिटरली ना लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए शीशों से सर बाहर निकाल रहे थे कि नहीं, वो तो मैं इधर देख के परेशान हूँ कि उसके साथ क्या ट्रक खड़ा है, ट्रक छोटा लग रहा है, ये बड़ी लग रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये ट्रक है सर, इसकी क्या डिटेल है? ये पाकिस्तान आर्मी सारी सर्विसेज ये मंगाती रही हैं। ये है जो फादर डॉज था अमेरिकन ट्रक, जी 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 ये जी उसकी रेप्लिका है। ये उनने मतलब ऑर्डर पे ये बने थे कि ये टोयोटा कंपनी ने बनाए हैं, जापान के बने हैं ये, ठीक है। क्योंकि सारी मशीन और ये आर्मी यूज़ के लिए थी। ये आर्मी अभी भी आर्मी के पास ही हैं, अब थोड़े थोड़े रह गए हैं अच्छा लेकिन ये निकलते आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, और ये क्या है? ये तो बग्गी टाइप लग रही है। ये जब मेरे पास आई थी तो उसका आप कह लें सारी गाड़ी में एक दरवाज़ा था, बॉनेट था ही नहीं। तो ये मैंने कुछ तकरीबन 30 साल हो गए इसको रिस्टोर किया था। और ये सारी फैब्रिकेशन खुद आपको शौक है? उस जमाने तो कैड डिजाइन भी कोई नहीं थी कि आए तो चले आप कैड मुझे डिजाइन ऐसे था वाले। जी कि मुझे थोड़ा सा इसका नक्शा मिल जाता था। जैसे एक दरवाज़ा मिला ना जी, हाँ जी, उसके साथ मैंने 3 दरवाजे इसके बनवा लिए। बॉनेट था तो बॉनेट नहीं, पे आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर थे क्या था? नहीं नहीं कुछ बिल्कुल या ऐसा जो आप कुछ भी बचपन नहीं का है। बता रहे हैं कि आप लोगों को देखते थे बस तो आपको था कि गाड़ी तबाह ना मेरे करें। मेरे जो मैकेनिक्स हैं, मेरे जो डेंटर्स हैं, मेरे जो पेंट वर्क करते हैं, वो मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि अब तो खैर कंप्यूटर का दौर आ गया। हाँ, जब यही अब तो था कैड ड्राइंग वही बन कहते हैं कि जाती। राय साहब आप वो जो किताब देख के आप हमें गाइड करते हैं ना, हाँ तो आप वो हमें भी किताब दिखा दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मैंने हाँ कहा यार कोई किताब नहीं, किताब मेरे दिमाग में जहन है। में है। मुझे सही, एक चीज़ का नक्शा दे के पता चल जाता है कि इसको मैंने किस तरह, अब इसकी जो सीट है वो आप देख रहे हैं, वो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सही लेकिन है। ये मैंने फिर वो स्पेशल सोफाज़ वाला बुलाया और मैंने कहा जी, क्योंकि उस वक्त गाड़ियाँ ये कन्वर्ट हो रही थी टोंगा से गाड़ियों पर। हाँ जी, और ये तो वही मेरे ख्याल मैनुअल हॉर्न भी है इसके अंदर, जी जी है चलता भी है। ये भी अब ये तो आपने चला 14 अगस्त में निकाल दी, 14 अगस्त हमारे मुल्क में तो अब तो बाजू भी रह गई वो है। बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा सर, ये भी 2 स्कूटर खड़े हैं, एक ऊपर खड़ा था, ये इनकी कौन कौन से मॉडल के हैं? ये तो 80s के हैं जी, ये तो मेरे ब्रदर लॉ हैं, उनने कोई एक्सपोर्ट किए थे तो ठीक ये है, दो उनके पास बच गए, तो उनने मुझे बताया, मैंने कहा जी भेज दी मेरे पास वो सही। यहाँ आके। और ये जो पिंक कैंडी खड़ी है क्या जी? ये जो बच्चे हैं ना जी उनकी फरमाइश में मैंने ये कलर किया। ये है फोर्ड प्रीफेक्ट है 1948 की, ठीक है, तो इसके भी अभी काम चल रहे हैं। बस ये अभी हमने पेंट वेंट उसको किया था, बाकी काम इसके भी अब और करेंगे। इसके आगे ब्लैक में खड़ी है ये वो अब ब्लैक लग रही है वो बॉटल डार्क ग्रीन ग्रीन, है, डार्क बॉटल ग्रीन, हाँ ग्रीन जी है, ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन में है वो। सही है, वो जेगुआर है मार्क 5 Mark 5। नाइनटीन फोर्टी ये तो एट की। बहुत डिज़ायरेबल गाड़ियों में से मेरे बिल्कुल ख्याल। बिल्कुल, ये बल्कि मैं जब इंग्लैंड गया और वहाँ से जिससे मैंने बंदे से पार्ट्स इसके लिए, तो वो बड़ा हैरान था कि यार ये गाड़ी पाकिस्तान में है। हाँ, मैंने कहाँ कहा से आ यार गए है हो? तो मैं पार्ट्स लेने आया हूँ। हाँ, कहाँ से आ गए हो? बिल्कुल। फिर तो वो कहते कहते जी हमारे उसमें ये पूरी दुनिया में कोई 60-70 के करीब गाड़ी जो उनके है रडार में वो तो अभी आपने एक अभी ऐड हाँ कर दी, हाँ बिल्कुल तो ये जो अब बची है। इसकी रजिस्ट्रेशन अभी जारी है मुझे लग रहा है। इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है जी। इसका जितना भी सामान था वो तो सारा मैंने इंग्लैंड से मंगवा लिया हुआ है, जितना भी इसके ऊपर लगता है। बाकी ये कि अभी हमारे काम रहते हैं जो पाकिस्तान में मैंने वैसे हैं। एक चीज़ का अंदाजा लगा रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र होगा। अभी हो ये गया जी कि अपने सब्र को मैंने कंट्रोल करने के लिए, मेरे भी सब्र का ना पैमाना खत्म लबरेज हो हो गया था गया? कि गाड़ी दे दी, साल साल दो दो साल लगा दिया, पेंट ही नहीं कर रहे उसको, ऐसा ही अभी है। करते हैं जी ये करते हैं वो करते हैं। फिर मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ वर्कशॉप्स में बहुत अच्छी कंडीशन की जब वो गई हैं, छोटा मोटा काम था, पर और वो वो खड़ी खराब है? खड़ी वहाँ पे फारिग हो गई, ख़राब बिल्कुल, नहीं हुई, फारिग हो गई हैं गाड़ियाँ, सीटें फट गई हैं। आप मैं लोगों को एक चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी ब्रांड न्यू गाड़ी आप ले लें करोला, उसको आप बाहर खड़ी कर दें 2 साल, उसको हाथ ना लगाएं, उसका डैशबोर्ड क्रैक हो जाएगा, उसका पेंट वर्क खराब हो जाएगा, तबाही उतर जाएगी ना गाड़ी बिल्कुल, की हाँ जी ब्रांड न्यू बिल्कुल की। बिल्कुल। अच्छा सर, ये मर्सिडीज की लिमो खड़ी है, ये जेन्युइन लिमो है कि नहीं ये कन्वर्ट? जेन्युइन नहीं है, ये आई नहीं है 6 डोर। अगर आप इसको सर्च करेंगे ना नेट पे जी तो जी आपको ये गाड़ी वहाँ नज़र आएगी, सही है, वो भी किसी ने बनवाई होगी, मॉडिफाई की थी। ठीक है। और ये मॉडल क्या है? ये मॉडल है 80s, 82 का मॉडल है सही है। इसका जो था ना जी, इसको मैं हमने स्ट्रेच करने के लिए, ये जो इसके सेंटर के दोनों दरवाजे हैं, जी जी ये जो इसी 1 2 3 की जो लिमो आई हुई है ना हाँ जी, उसमें ये दरवाजे आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने इनके सो दरवाजे दरवाजे को सोर्स करके आपने इसमें लगाए, दरवाजे वो पिशावर से मुझे मिल गए, ठीक है। तो वो फिर ला के तो वो हमने सेंटर में वो किए हैं ऐड, और अब ये 6 डोर हमने बना दिए, इसको प्रॉपर लिमोजिन बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि इसमें मेरे पास कई गोरे आते हैं, कई पाकिस्तानी आते हैं, गोरों का बड़ा पोलाइट एक तरीका होता है पूछने का। मुझे कहते हैं कि कभी कोई गाड़ी बेची है? मैंने कहा हाँ। कहते कौन सी? मैंने कहा ये करोला होंडा जो मर्सिडीज जो हम आम यूज़ करते। कहते नहीं हम इनमें से पर्टिकुलरली पूछे, इन गाड़ियों को। मैंने कहा नहीं ये कैन के ऊपर मैं एक ताला लगा जो खुलता नहीं है। मैंने कहा ये जो रजिस्ट्रेशन में आ गई और जो मेरे पास आ गई वो जाती नहीं है। फिर वो माशाल्लाह, कहते हैं जी हमें हेल्प कर दोगे, हमें कोई हमने जीप रिस्टोर कर दी हो? मैं कहा जी बिल्कुल कर दूंगा। सही। और मैंने कई
मेरे अब दोस्त बन गए हुए हैं, वो स्पेन में भी गाड़ियाँ इस तरह जीपें गई हैं और उन्हें रिस्टोर किया। मैंने कहा यार गाड़ी मैं तुम्हारी मर्जी की बना दूंगा, हर चीज़ में ओरिजिनल लगा दूंगा। सही, जो पेपर वर्क है वो तुमने खुद देखना है कि वो जा सकती है या नहीं जा सकती। ठीक है। अच्छा सर, ये यूनिमॉग जो है ये भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी जो है उसे काफ़ी निकले के पास हैं जी ये वाले सर, और इसकी फोर व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। सही है। इसको डेजर्ट क्वीन कहते हैं। ठीक है। कि ये जब डेजर्ट में होती है तो ये ऐसे फ्लोट करती जैसी है जैसे आपकी बोट जा रही है या कैमल जा रहा है ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही है। ये जितनी भी हमारी मेरे ख्याल एम्बुलेंस भी यूज़ होती थी, ये बहुत ज़्यादा इसके मल्टीपर्पजेज थी ये गाड़ी थी। और सर ये जो है ये भी उससे मेरे ख्याल मिलते जुलता है, जो उधर एक ये विलीज़ का है, ये इसके बम्पर पर भी लिखा है। सही। ये भी 57 का है विलीज़ का, ये उसकी पिकअप है। लुक लाइक अ फायर ट्रक लगता है देखने में, कलर की वजह से भी ऐसी है। और ये भी प्रोजेक्ट चल रहा लगता है बिल्कुल। इसका जो इंजन है वो मैंने हरिकेन इंजन आता है इसका, वो मैंने ओरिजिनल इसमें डाला है सर। बड़े लोगों ने मशवरा दिया यार इसको ऐसे कर दो मॉडल, मैंने कहा यार मैं ओरिजिनल के चक्कर में रहता हूँ। सही है। मॉडिफाई अभी मैं नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये आगे है, ये बहुत ही खूबसूरत कार है जी, और इसका कलर भी आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैं जो बंदा मेरे पास आता है ना उसे पूछता हूँ बताओ ये गाड़ी सर ये तो मोरस है। इसको पीछे से भी देखा है फिर बताएं मुझे। आगे से तो मोरस लग रही है, यहाँ पे मैं फेल हो जाऊँगा ऐसा लगेगा। पीछे से बीटल लग रही है। सब यही कहते हैं जितने भी आते हैं ना, ये है इट्स अ पयो जिसको हम पीजो कहते हैं। अच्छा फ्रेंच पोजो, फ्रेंच हमारे यहाँ पे पीजट भी कहते हैं, पीजट कहते हैं मेरे जैसे जो होते हैं ना जिनकी तालीम मेरे जैसी है वो पीजट भी कहते हैं। अच्छा जी ये पूजो है, और ये सर ये मॉडल क्या है? ये 1959 मॉडल। इट्स लुक लाइक ये कहते हैं ना कि इट्स अ परफेक्ट मैरिज बिटवीन मॉरिस एंड बीटल। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। एक मेरे पास फ्रेंच आया वो उसने कोई चार चक्कर लगाए इस गाड़ी के, मैं कहा तुम क्या कर रहे हो? कहते यार मेरे मुल्क की गाड़ी है। हाँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, तो मैं पहचान ली कोई, कहता है मैं खुश हुआ और मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है ना तो मैं तुम्हें गिफ्ट करूँ। हाँ। देख लो कोई चीज़ मिसिंग है। सही 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 सही। और ये भी अपने इंजन पे ही है? ये अपने इंजन में। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बाय फार सबसे ज़्यादा एफ जेज जो हैं टोयोटा के, एक दो तीन चार हो गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि एफ जेज का ना मुझे आजकल शौक चढ़ा हुआ है। सही नहीं, ये वाला माशाल्लाह जो यहाँ पे खड़ा है अगर हम ये दिखा सकें, ये बड़ा एमिकेबली रिस्टोर्ड है और इसमें जो क्रोम और ये सारा कुछ लगा हुआ है, मुझे लगता है ये आप आजकल अपने डेली ड्राइवन ये यूज़ बिल्कुल ये मेरे ये कल भी हम लोग कल भी मैं इसको चला रहा था। ये असल में जो हसीब का बेटा है ना उसकी बड़ी फेवरेट गाड़ी। सही है। और ये इसमें इंजन वगैरह क्या है जी? इसमें है ये बेसिकली जो इसका फ्रेम है वो तो सारा एफ जे का है। ठीक है। लेकिन जो हमने प्राडो 96 के जो कन्वर्जन आती है इसका मैंने पूरा जो बीजे है ना जी मैं उस पर नहीं गया, प्राडो पे नहीं गया। सही है। अपने उसी में टोयोटा में रह के ना मैंने, ठीक है, तो मैंने इसको जो बीजे 40 है जी जी वो पूरा कन्वर्जन मैंने इसको बीजे 40 का कर दिया। अब इसका सिर्फ फ्रेम एफ जे 40 का है, बाकी बीजे जो है वो बेसिकली डीजल आती है। हाँ जी हाँ जी, ये फ़र्क है इसमें। ठीक है। तो सारा कुछ जो है ना इसका वो हमने इसके बीच में वो एड इन कर दिया। और इसके जो शीशे वगैरह हैं ये आपने दोबारा बनवाए हैं, क्या किया है? इतने तो नई गाड़ियों के शीशे इतने स्क्रैचलेस नहीं होते। ये बस लकी भी आप कह लें कि मुझे अच्छे मिल गए थे। कुछ जो इसके फ्रंट डोर्स के हैं क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ होते हैं या विंड स्क्रीन है वो मैंने इसकी रिप्लेस की है, तो यहाँ पे अब आसानी होगी है कि यहाँ पे टेम्पर्ड स्क्रीन्स जो साइज आप हैं वो आपको कर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वैसे मैंने ये गाड़ी अपनी ज़िंदगी में मैंने जब नारायण का खान अली जाना शुरू थे 90s में तो वहाँ बहुत ज़्यादा चलती थी। अच्छा ये आगे जो है फिर अगेन 60s के जिस तरह का वो ब्लैक था उसके साथ ही कन्वर्टेबल है, ये जेन्युइन कन्वर्टेबल है कि नहीं? इसको भी मैंने ये बेसिकली एग्जैक्टली वही गाड़ी थी जो मेरे पास जो पहले हमने देखी है 180 है। हाँ जी, फोर डोर गाड़ी थी, सही है, फोर डोर सेडान थी। लेकिन मैंने इसका वैसे प्लान किया कि मैंने कहा मैं इसको कन्वर्टेबल करता हूँ। ठीक है। तो बेटी मेरी वो माशाल्लाह ये आर्किटेक्ट है, वो छोटी थी। अच्छा। मुझे कहती है कि आप इसको टू डोर क्यों नहीं करते? मैंने कहा फोर डोर को टू डोर? कहती है आप ट्राई करें। वो भी मैंने खैर अपने डेंटर के पास गया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करना है। फिर हमने इसको फोर डोर को टू डोर किया और इसको उसमें लेके आए। ये है बेसिकली 180 लेकिन इसको हमने कन्वर्ट और इसके फ्रंट डोर की लेंथ बढ़ाई है कि बढ़ाई है लेंथ? मैंने कहा कि पीछे वाला दरवाज़ा उसका कुछ पीस लेके इसमें ऐड किया और फिर इसको किया। यानी कि आपने जितनी भी रिस्टोरेशन की है अगर उसमें अल्टरेशन भी किया तो बड़ी डिटेल्ड थिंकिंग उसमें शामिल है, ये नहीं कि बस ऐसे ही कर दिया बिकॉज कोई आम आदमी उसने बस दो दरवाजे निकाल देते हैं। मैंने भी इसकी लेंथ ये देख रहा था कि लाइक एनी कन्वर्टेबल इसके अगले दरवाजे की लेंथ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसी है। ये पीछे जो दो जीप्स हैं ये अभी रिस्टोरेशन हो रही है, आप अपने लिए करें दोस्तों के लिए किसी? ये दोस्तों के लिए हो रही है। सही। और ये साथ जो इंजन वगैरह पड़े हैं ये सारा यानी बस ये इन्हीं का जहेज है जी। अच्छा। मेरी गाड़ियाँ जितनी भी है ना जी इनका मैं जो भी मुझे पार्ट्स यहाँ से मिले बाहर से मिले सर मेरा अभी भी होता है कि मैं अगर एक बैग मेरे अपने सामान का ना तो एक मेरे गाड़ियों के सामान का होता है। और ये जो दूसरी ये जो टॉय कार्स हैं ये हसीब साहब के बेटे की कलेक्शन है कि ये भी आपके? मेरी कलेक्शन है जी, ये बस बचपन से मुझे था ना तो मैं इनको रखता रहता था पेटियों में डाल डाल के।
अभी मैं आपको यहाँ दिखा, ये आपकी कलेक्शन है सीरियसली? ये सारी मेरी कलेक्शन। अच्छा, मैं समझा था कि ये हसीब के बेटे की। हसीब का बेटा आता है तो मुझे कहता है कि ये मैंने निकालनी है बाहर। अच्छा। मैंने कहा बेटा मैंने इनको ना प्रॉपर सील कर दिया, आगे हमने ग्लास फिक्स कर दिया इसके अंदर। अच्छा। हमने वो केमिकल डाल के ना सही, ताकि ये अब देखें, इसलिए आपको डस्ट नहीं होता, इनको कम से कम 5 साल हो गए। नहीं लेकिन आई एम रियली सरप्राइज, मेरा ख्याल था कि वो उसकी मतलब ये इसकी एज अगर देखा जाए तो आपके साथ साथ आपके बचपन से आ रही है। हरी बिल्कुल ऐसी है। सो यानी आपको ये जो प्रिजर्वेशन का शौक था ये शुरू से था? शुरू से बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं चाइना गया, माँ मुझे फ़ोन मैं ढूंढ रहा था। सही। ये 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये ब्रांडेड मोबाइल फोन्स हैं। अच्छा। ये मर्सिडीज का, लैम्बोर्गिनी, सही 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 सही, ये सारे मैंने कहा डिंगी वो है जो गाड़ियां उनकी खरीदते हैं ना, जैसे आप आम मर्सिडीज पे नहीं देते। अच्छा। माय बैक अगर कोई खरीदता है उसको ये सिलेक्टिव रेंज में गिफ्ट कर देते हैं कि जी मर्सिडीज। हां जैसे ये इसकी मेरे ख्याल ये वर्टू जिसमें आता था, सिलेक्टेड आता था, ये पोर्श का भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको गिफ्ट करते हैं। और यहाँ पे ऊपर भी मैं देख रहा हूँ काफी कलेक्शन इकट्ठी है। ये सी एल के का बैक लग रहा है। ये फ्रिज है? नहीं, ये मोटर बाइक। अच्छा, बाइक के पीछे कैरियर लगाने का कैरियर है। लेकिन वो अच्छा, आपको बाइक का शौक वैसे रहा है कभी? मुझे एक्चुअली मेरे अल्लाह बख्शे एक ही चचा थे, मेरी पैदाइश से पहले उनकी डेथ हो गई थी। ओह, मोटर बाइक के एक्सीडेंट। सही। बस उस जमाने में टाइगर कप और ट्रायम्फ था ना। सही सही। बहुत तेज चलाते थे। वो एक्सीडेंट हुआ, फिर हमारे फैमिली में आप कह लें बैन लगा है ना। सही। ये जो है ये इंडिया बनाता है इसको, ये पानदान है इसका। आप लेट उठाएं सारा पान की वो ग्लोरी पता और सारा ये वो रखने की। तो आपने हर चीज़ कलेक्ट की जिसके अंदर गाड़ी आती है? बिल्कुल। ये जो ये ब्लिंग ब्लिंग जितनी आपको नजर आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ जो मिलती हैं ये मक्का मुकरमा में, तैबा सेंटर, मदीना मुनव्वरा में तैबा सेंटर है, ये वहाँ पे मिलती हैं और कहीं भी नहीं मिलती। मैंने गाड़ियों के अलावा जी मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी डिटेल के, जिस तरह मैंने आपको दिखाया ग्रैमोफोन्स हैं, जी जी, पुराने टेप रिकॉर्डर्स हैं, वो बच्चे अभी भी आके देखते हैं, वो कहते हैं क्या चीज़ है, समझ नहीं आती। मैं अंदर मैंने स्टोर एक बनाया हुआ, उसमें मैंने केरोसिन ऑयल लैम्प्स, सही है, जो ब्रास के, इंग्लैंड के बने हुए, अमेरिका के बने हुए, जो हम लोग बचपन में गांव जाते थे बिजली नहीं होती थी, सही है, तो हम उसको यूज़ करते थे, वो भी मैंने प्रिजर्व किया। तो मेरी जो अम्मी जी है ना, वो जब मैं छोटा था तो उनके पास कुछ चांदी की चीज़ें थी, जैसे आप कह रहे हैं कि अब्बा जी का सिगरेट केस था, सिगरेट्स उस ज़माने में एक गोल बॉक्स में आते थे। सही है। वो 50 या 100 पैक्स में होते थे, तो वो बॉक्स आप लेके तो कहीं घूम नहीं सकते, ये जो नॉर्मल हमारी जो पैकिंग आती ये नहीं थी। वो फिर होता था जब घर से निकलते थे तो वो ऐसे स्लॉट बनी होती थी, उसके बीच में एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी सिगरेट लगा लेते थे, उसको बंद कर लेते थे। वो बिल्कुल ऐसे जैसा वॉलेट होता है। जी 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 जी। वो चीज़ें मैंने अम्मी का, मैंने मुझे दे दें, कहती तुम क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैंने अभी उसकी भी एक अलमारी बनाई है। अच्छा, ये आपके बिल्कुल एंट्रेंस पे ये एक बोर्ड था, इसके बारे में हमें बताएंगे कि ये जो आपका एक विजन था म्यूजियम बनाने का, और मेरे ख्याल से अगेन बड़ी कमेंडेबल का विषय है अगर इस ये प्रेजेंटेशन देखी जाए जिस लिहाज से आपने बनाया है। गाड़ियों के अलावा एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत है, और मैं ये कॉम्प्लीमेंट आपको दोबारा दूंगा कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया है, वॉल से लेके हर चीज़ बड़ी डिटेल है। ये जो बोर्ड है इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? ये बोर्ड जो है जी इसको क्योंकि हम जब म्यूज़ियम बना रहे थे, CDA ने तो मेरा म्यूज़ियम अप्रूव करके भी नहीं बनाया। हाँ जी। तो मुझे था कि जी मैं कम अज़ कम ये है कि जो अपने जानने वाले हैं, जो मेरे पास पहुँच सकते हैं, उनको मैं जब वो आएँ तो थोड़ा सा प्रेजेंट टेबल जगह बांधे। सही। शुरू में कुछ की सिचुएशन ये थी कि जैसे नॉर्मल आप देखते हैं कि गराजेज होते हैं तो ऊपर की छत खाली, वो काले काले नजर आते हैं, पाइप नजर आते हैं। मैंने कहा नहीं, इसको मैं ऐसे लगे कि कोई ये ना सोचे कि ये अबंडेंट प्लेस है। ड्राइंग रूम, गाड़ियों का ड्राइंग रूम अगर कहा जाए तो बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर इसको गाड़ियों का ड्राइंग रूम कहेंगे तो बिल्कुल सही वर्ड है। वो जो है ना इंडस्ट्रियल लुक देना कि जी उसकी वो पूरा वेयर हाउस वगैरह थी, वो तो फिर आप यही है कि आप जान छुड़ा रहे हैं चीज। हां जी जी। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेरी ये है कि मैं कहता हूं जी आप कोई काम करना है तो उसको परफेक्शन तक जाएं, अगर नहीं करना तो फिर करें ही नहीं, बेहतर ये है। नहीं, वो आपका प्रोजेक्ट में नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा परफेक्शन है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस, जिसे कहते हैं एक मैं कहूँगा हेरिटेज का एक बहुत बड़ा, मेरे पास वर्ड खत्म होते जा रहे हैं उसके कहने के लिए, लेकिन एक खजाना कह सकते हैं था। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। व्यूज़ ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।